मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं। हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नगरे। नमस्कार, मैं निधि सिंह और आप देख रहे हैं रबसी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तेजस्वी यादव ने एनडीए गठबंधन पर किया जमकर हमला, कहा कि जीतनराम मांझी पर आरएसएस का रंग चढ़ गया है, लेकिन इतना जल्दी रंग चढ़ेगा या तजब्बुर की बात है। जीतनराम मांझी ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश को अलग कर दिया जाएगा, जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी पर आरएसएस का रंग चढ़ गया है, लेकिन इतना जल्दी रंग चढ़ेगा या ताजुब्बिक की बात है। देखिए इस रिपोर्ट में किस तरह से जीतनराम मांझी पर हमलावर करते हुए नजर आ रहे तेजस्वी प्रसाद यादव। बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप घर में बंद हो जाएगा, घर से। अब बेकार की बात करते हैं, और कोई काम का बात कर रहा है? बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया, 1 लाख बहाली बचा हुआ उसमें, और 3 लाख बहालियां जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं, दूदू को डिप्टी सीएम बना है, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है। लोग दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ये कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा, अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए, मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ केयर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बाली बच्चा हुआ। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है, राजनीति को लेकर के जो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए होती थी वो ले लेते थे। कोई मतलब है माफी मांगो? हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नगरे। तेजस्वी जी, रगड़ना ना चाहिए ना? जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से, 40 में से 39 साल सांसद, क्या काम किया? धोखा दिया, उसके लिए नाक रगड़ना चाहिए। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा तेजस्वी प्रसाद यादव जीतनराम मांझी पर रंग चढ़ने का आरोप लगा रहे, और वो कह रहे कि इतना जल्दी रंग चढ़ेगा यह तो ताज्जुब की बात है। तो ऐसी तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रबसी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।